15 साल दिल्ली के अंदर इन्होंने सरकार चलाई और एक भ्रष्ट और निकम्मी इन्होंने सरकार चलाई। भारतीय जनता पार्टी सूची समझी साजिश के तहत अपने पार्षदों को निर्देश देती है कि हंगामा करो, जो लूट खसूट एमसीडी के अंदर करते रहे वो अफसरों के माध्यम से करते रहे। तो आज तो सुबह इन्होंने मीडिया को कवर करने तक से रोका, हारने के बाद में इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो नए नए तरीके ढूंढते हैं। एल्डरमैन जो आज तक दिल्ली सरकार बनाती है उसको एलजी साहब ने नियुक्त कर दिया और अब आज गदर मचा रहे हैं कि वो वोटिंग करेंगे। इकट्ठी वोटिंग होगी, इकट्ठी क्यों होगी भाई? देखिए, हमारी पार्टी ने डिसाइड करा है कि हम आज ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि दिल्ली को दिल्ली का मेयर नहीं मिले, जो दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया उस मैंडेट को का अपमान किया जाए। आज पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी पूरे दिल्ली के लोगों के सामने बेनकाब हो गई। आम आदमी पार्टी को चुना है, अगर आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनेगा तो दिल्ली की जनता के अंदर गुस्सा और बढ़ेगा। हार के बाद भी अपना मेयर बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं। 4 जनवरी, 24 जनवरी और आज 6 फरवरी, तीसरा दिन था, दिल्ली में मेयर का चुनाव था, लेकिन एक बार फिर से हाउस एडजर्न करना पड़ गया है और अगली तारीख तक के लिए जो हाउस था उसको एडजर्न कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी सूची समझी साजिश के तहत अपने पार्षदों को निर्देश देती है कि हंगामा करो, शोर मचाओ और चुनाव ना होने दो ताकि हम एलजी के माध्यम से एमसीडी को भी चलाते रहें, जो लूट खसूट एमसीडी के अंदर करते रहें वो अफसरों के माध्यम से करते रहें और वो लूट का धंधा जारी रहे। आज ही आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मांग करेगी कि एक निष्पक्ष चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के तहत होना चाहिए। किस प्रकार कानून की धज्जियाँ आज प्रोटम स्पीकर ने उड़ाई है, क्योंकि उनको नॉमिनेट किया गया था सिर्फ मेयर का चुनाव कराने के लिए, उन्होंने कहा तीनों चुनाव कराएंगे, फिर सारी परंपराओं और कानून के विपरीत उन्होंने कहा कि सारे एल्डरमैन वोट देंगे, फिर सारी परंपराओं और कानून के विपरीत उन्होंने कहा तीनों चुनाव एक साथ होंगे। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शोर हुआ क्योंकि नंबर उनके पास नहीं था, तीनों कराने के बाद भी एल्डरमैन की वोट उनको देने के बाद भी वो चुनाव हार रहे थे, इसलिए उन्होंने चुनाव को पोस्टपोन किया। तो आज तो सुबह इन्होंने मीडिया को कवर करने तक से रोका जी, बिल्कुल। और जब मीडिया के साथियों ने गैलरी से ये बोला कि आप हमें मीडिया को कवर भी नहीं करने दे रहे हैं, तब जाके जब हमने बोला तो पीटासीन अधिकारी ने कहा कि ठीक है कर लीजिए। दरअसल ये चाहते थे कि वहाँ कोई मीडिया का साथी ना हो और पीछे से गदर मचाए, जो गदर आप देख रहे हो कि जिस तरीके से इन्होंने पहले तो चुनाव डिले करे, फिर उसके बाद में परिसीमन कर दिया, वोट काट दिए, ये फिर भी हार गए। अब हारने के बाद में इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो नए नए तरीके ढूंढते हैं। एल्डरमैन जो आज तक दिल्ली सरकार बनाती है उसको एलजी साहब ने नियुक्त कर दिया और अब आज गदर मचा रहे हैं कि वो वोटिंग करेंगे, इकट्ठी वोटिंग होगी। इकट्ठी क्यों होगी भाई? इन्होंने जो एजेंडा दिया है उसमें लिखा है पहले मेयर बनेगा, फिर डिप्टी मेयर की वोटिंग होगी और फिर स्टैंडिंग कमेटी की होगी। तो आप तीन इकट्ठे कैसे करा रहे हैं? गदर मचा रहे हैं आप लोगों ने देखा है। देखिए, हमारी पार्टी ने डिसाइड करा है कि हम आज ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट भी इससे अवगत है, बाकी हम भी अपनी बातें रखेंगे क्योंकि कानून जिस तरीके से धज्जा भाजपा उड़ाती है उड़ती आई है, लेकिन देश में कानून है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझेगा, कोई ऐसा फैसला ज़रूर देगा जिससे दिल्ली की जनता को मेयर मिले, डिप्टी मेयर बने, स्टैंडिंग कमेटी मिले, ताकि दिल्ली की जनता के काम हो पाए। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये सारी जो साजिशें और कोशिशें हो रही हैं कि दिल्ली को दिल्ली का मेयर नहीं बने, जो दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया उस मैंडेट को का अपमान किया जाए, लगातार कोई ना कोई बहाने होता है। आपने हाउस में देखा कि सभी आम आदमी पार्टी के काउंसलर चुपचाप बैठे हैं, इनके सारे पार्षद हल्ला कर रहे हैं, पीठासीन प्राधिकारी ये कह रही हैं कि जो हल्ला हो रहा है इसे तय होता है कि आप चाहते हैं कि दिल्ली को मेयर ना मिले, तो इसका मतलब वो कह रही हैं कि बीजेपी के लोग जो हल्ला कर रहे हैं वो चाहते हैं मेयर ना मिले। अब जो आप दूसरा क्वेश्चन पूछे, मैं जवाब पहले ही दे देता हूँ आपको कि उन्होंने कहा कि दो विधायक जिन पे को सजा तय हुआ है वो नहीं आएंगे। अब ये प्रवेश पत्र MCD दिया है हमें, तो MCD जब प्रवेश पत्र दिया तो क्या MCD ने कोई रूल रेगुलेशन नहीं देखा? एक बात। दूसरी बात, जो पीठासीन पदाधिकारी चेयर पे बैठ के उस चेयर के गरिमा के खिलाफ जो बात कर रही थी, उन्होंने ये कहा कि करप्शन का केस है, करप्शन का केस नहीं है, एक बच्चे के पे अपहरण पे FIR नहीं हो रहा था, तो हमने पुलिस को कहा था कि FIR हो और उसमें पुलिस ने कहा कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं और भीड़ को उकसा रहे हैं। आज पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी पूरे दिल्ली के लोगों के सामने बेनकाब हो गई है। किस तरीके से ये लोग बहाने ढूंढ रहे थे कि दिल्ली में मेयर का चुनाव ना हो पाए, पूरे हाउस में आने के बाद इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी का एक एक मेंबर चुपचाप बैठा हुआ था, चुनाव का इंतज़ार कर रहा था और जिस तरीके से
आरोप लगा करके कभी कह रहे हैं कि दो मेंबर के ऊपर आरोप है, इसलिए जो है हम वो बाहर चले जाएं। मैं भी मेंबर हूँ, मेरे ऊपर भी लगाया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने ना केवल अपने कुर्सी पे बैठ के पीठासीन के अपने पद को कलंकित किया आज तथ्यहीन बात करके, बल्कि पूरे हाउस को शर्मसार किया है। जिस केस में उन्होंने कह रहे हैं करप्शन का केस है, वो तो करप्शन का केस है नहीं। उसमें एक बच्चे को राहत देने के लिए हम थाने में गए सब लोग मदद करने के लिए, और वहाँ बताया गया कि भाई आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आप लोग उकसा रहे हैं, उसका एक केस लगाया गया। पुलिस तो आपकी वैसी ही नहीं है, पुलिस आपकी सुनती कहाँ है? और पुलिस ये बात आप खुद कहते हैं, पुलिस के द्वारा एक आरोप लगा दिया गया, उसमें 3 महीने की सजा हुई। अब माननीय न्यायालय ने उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है, रोक दिया है। ये भी पीठासीन को नहीं पता है, माननीय न्यायालय ने उसको रोक दिया उस ऑर्डर को, और उसके बावजूद भी ऐसे तथ्यहीन बात कर रहे हैं। तो ये दिल्ली के लोगों को पता चल गया कि दिल्ली बीजेपी मेयर के चुनाव में जान रही है कि उनका मेजॉरिटी नहीं है। दिल्ली के लोगों को मेयर ना मिले, दिल्ली के कामों को रोकना उनका काम है, जैसे केजरीवाल जी के सरकार के कामों को LG के माध्यम से रोक रहे हैं, ऐसे ही MCD में मेयर ना दे करके MCD को कामों को रोकने का काम बीजेपी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को आज ये सारा प्रकरण दर्शाता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जनादेश का लगातार अपमान कर रही है। इस हार को अभी तक वो पचा नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बहुत गलत संदेश पूरे देश में जाएगा। ये हमारे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। आम आदमी पार्टी को चुना है, अगर आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनेगा तो दिल्ली की जनता के अंदर गुस्सा और बढ़ेगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी वालों से मैं कहना चाहूँगा कि आप हार चुके हैं, हार को स्वीकार कर लीजिए और दिल्ली की जनता के मत का सम्मान कीजिए, उनके जनादेश का सम्मान कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सत्ता के अहंकार में डूबी हुई है और वो जो कर रहे हैं बहुत गलत है, लोकतंत्र के लिए बड़ा गलत है, और इस तरह से करेंगे तो काम कैसे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट मेयर दिलाएगा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी पूरे देश ने देखी। आज जिस तरीके से प्रोटेम स्पीकर ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कहा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट करेंगे मेयर की, डिप्टी मेयर की, स्टैंडिंग कमेटी की, संविधान में और कानून में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि ये लोग वोट करेंगे, उनको कहीं राइट नहीं है। लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने एक तानाशाही तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि नहीं जी ये वोट करेंगे। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने फिर क्या कहा कि जी अखिलेश त्रिपाठी और संजीव झा को बाहर करो। क्यों बाहर करें? अखिलेश त्रिपाठी, संजीव झा दिल्ली विधानसभा के चुने मेंबर है, दिल्ली विधानसभा ने उनके चुनके भेजा है, प्रोटेम स्पीकर कौन होती है? आज भारतीय जनता पार्टी की शुरू से नियत थी कि किसी तरीके से चुनाव को टाला जाए। बीजेपी वाले ऊपर चढ़ चढ़ के हंगामा कर रहे थे, ये बहुत गलत हुआ। आज मैं कहता हूँ ये दिल्ली वालों के लिए बहुत गलत हुआ है, ये दिल्ली वालों के साथ बहुत गलत हुआ है। और जहाँ जहाँ से भाजपा के निगम पार्षद बने हैं, आज पक्का मैं आपको गारंटी देता हूँ वो वार्ड पछता रहा होगा कि हमने गलती कर दी बीजेपी का पार्षद चुन के। देखो, इनकी मानसिकता जो है बीजेपी की वो बहुत छोटी हो चुकी है। आपने देखा होगा कि हमारे पास सत्ता के बहुमत के अंदर हम लोग हैं, 151 हमारे पास पार्षद और MLA हमारे जो वोटिंग करेंगे सब है हमारे पास, इनके पास 113 है। इनको मालूम है कि आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, लेकिन इनकी मनसा इतनी छोटी सोच हो चुकी है। आज आपने मीडिया ने सभी ने देखा है कि हमारे पार्षद सभी चुप बैठे थे और इन्होंने घेरा टाइप का डालकर और हमारे सभी पार्षदों को उकसाने की कोशिश करी। पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गाली बोल रहे हैं, इतने ओछे शब्द बोल रहे हैं जो एक चुने हुए पार्षद को नहीं बोलना चाहिए। ये बड़े लोकतंत्र की हत्या है, बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी सीधा सीधा। ये मतलब भगवान राम को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसको भी बदनाम कर दिया है। कहते हैं ना राम राज में बड़ा सुख था, लेकिन इन्होंने भगवान राम को भी बदनाम करके रख दिया है। ये हकीकत देखें तो इस देश के अगर कोई गद्दार है सबसे ज़्यादा तो ये भाजपा देश की गद्दार है। कितना सहमत है इनकी बातों से आप? ये मैं पूर्ण सहमत हूँ इनकी बातों से। जो बाबा साहब का संविधान है, जो संविधान के तहत सब चीज़ें हैं, उसके तहत नहीं चलना चाहते ये। इन्होंने गदर मचा रखा, मेयर का चुनाव नहीं होने दे रहे, मेयर नहीं बनने दे रहे। अगर हमें बहुमत में है, बहुमत में जनता ने बहुमत दिया तो मेयर बनने दीजिए। हमारे पास 151 है, इनके पास 113 हैं, हम इनसे 38 ज़्यादा हैं, तो ये मेयर नहीं बनने दे रहे हमारा। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लोग जो है डर रहे हैं, तमाम तरह की वीडियो हमारे पास है आज के सदन की, और उसमें हमने रिकॉर्ड किया है कि किस तरीके से बीजेपी के पार्षद गुंडाई कर रहे थे, हमने वो रिकॉर्ड किया है। खुद ही हल्ला मचाया और खुद ही इनके स्पीकर ने
हाउस को एडजेंट कर दिया, सदन स्थगित कर दिया, ये सरासर दिल्ली की जनता से बदला ले रहे हैं। दिल्ली की जनता से बदला इस चीज़ का ले रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद अपना वोट के रूप में अरविंद केजरीवाल जी को दिया है उससे बदला ले रहे हैं। ये डर गए हैं, डर के मारे चुनाव नहीं होने देना चाहते। आज ये मीडिया ने पूरे देश की देश को दिखा दिया कि किस तरीके से उन्होंने खुद ही हल्ला मचाया और खुद ही सदन को स्थगित करा दिया, किस तरीके से भाग रहे हैं। आप मुझे बताइए, 113 ज़्यादा होते हैं या 151 ज़्यादा होते हैं? जाहिर सी बात है 151 ज़्यादा होते तो मेयर हमारा ही बनना था। खुद ही हल्ला मचा के चुनाव नहीं होने देना चाहते, तो ये दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने देख लिया कि ये किस तरीके से हार के बाद भी अपना मेयर बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं और बाबा साहब के संविधान को तार तार कर रहे हैं कि जो आज तक तो कभी नहीं हुआ कि एल्डरमैन भी वोट करेगा, अब ये कह रहे हैं कि एल्डरमैन भी वोट करेगा। ये हर बार देश की जनता जगह जगह इनको नकार रही है और हर बार ये उसमें धोखाधड़ी करके संविधान को बदल के अपना क्या कहते हैं नुमाइंदा खड़ा कर देते हैं। बॉबी जी, क्या चल रहा है आखिर, ये हो क्या रहा है? सर आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है, ये बिल्कुल जनादेश का बिल्कुल मान सम्मान नहीं करते, जबकि इन्होंने 15 साल दिल्ली के अंदर इन्होंने सरकार चलाई और एक भ्रष्ट और निकम्मी इन्होंने सरकार चलाई। जनता ने इनको बिल्कुल बिल्कुल नकार दिया है और आज इनके पास बिल्कुल भी मतलब कि मैंडेट नहीं है। इनके पास सिर्फ 113 है और हमारे पास 151 है, तो हमारा राइट्स बनता है कि कहीं ना कहीं हमारा मेयर और डिप्टी मेयर हमारा बनना चाहिए। लेकिन आप कह रही हैं कि 151 है, बीजेपी कह रही है कि आपको यानी आम आदमी पार्टी को अपने ही पार्षदों पर विश्वास नहीं है। 151 का शगुन भले ही हो लेकिन डर है फिर भी। विश्वास था और है और रहेगा, बट मैं ये कहना चाहूँगी अगर विश्वास नहीं होता तो हम आज यहाँ वापस से फिर से अपने चुनाव ना डालने आते, वोट नहीं डालने आते, अपना मेयर चुनने नहीं आते। और चुनने हम इसीलिए आए कि हमें विश्वास था कि आज हम वोट डालेंगे और हमारा मेयर खुद ही बनेगा। बट इनको डर ये था कि अगर इनकी राजनीति नहीं चलेगी तो आम आदमी पार्टी वालों का राज हो जाएगा। और ये इनकी घटिया सोच थी, वो ऐसे कैसे रह गई, बौखलाए थे, इसी सोच के चक्कर में इन लोगों ने लड़ाई की, झगड़ा किया, दंगा किया, तानाशाही की, और वो इन्होंने आज फिर दिखाया जो पहले किया था। और करके भाग गए। कब तक ये मेयर मिलना ना मिले दिल्ली का बड़ा नुकसान है सर, दिल्ली का बड़ा नुकसान है। जो पब्लिक ने, जनता ने हमारे को इतना मान और सम्मान दिया है, जनता ने इनको कतई बिल्कुल हर तरीके से नकार दिया है और हम ये चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से हमारा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना चाहिए। आप देख सकते हैं सदन के अंदर इन्होंने किस तरह से गुंडागर्दी मचा रखी है, बिल्कुल हंगामा ये लोग करते हैं और हमारे सभी पार्षद जो भी हमारे माननीय पार्षद हैं सभी आराम से और मतलब कि शांतिपूर्ण सभी बैठे हुए थे। हम ये चाहते कि मेयर का चुनाव जल्द से जल्द हो। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो कह रही है कि एल्डरमैन वोट नहीं कर सकते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कह रही है कि दो विधायकों के ऊपर क्रिमिनल केस हैं जो सदन से बाहर का रास्ता इख्तियार करें। लेकिन दोनों ही दलों के दरमियान जो नोकझोंक है वो इस कदर बढ़ गई कि एक बार फिर पीठासीन अधिकारी को जो हाउस है वो अगली तारीख तक के लिए स्थगित करना पड़ गया। लेकिन सवाल फिर वही है कि दिल्ली को दिल्ली का मेयर कब मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ में जबरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।